of schools and I welcome you all in official YouTube channel of Sanskar School. Students, in this lecture I will tell you or we will show exercise 5A question number 9 to last of 7th class में R.S. Agarwal. Let's start with question number 1st. ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 5.A का क्वेश्चन नंबर 9 के साथ. लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन 8 हम सॉल्व कर चुके थे, उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, एक्सपेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रीजनल नंबर, मींस आपको सॉल्व करना है. तो नाइन्थ क्वेश्चन में कुछ पार्ट से जो आपको खुद ट्राई करने हैं और कुछ पार्ट्स में आपको कराने वाला, चेक करते हैं स्टूडेंट्स. लाइक पार्ट से स्टूडेंट्स, मोस्टली जो पार्ट्स आपको गिवन है ये सिमिलर है, ठीक है, और आपको ये ट्राई करना है. तरीका आपको बता रहे हैं, चेक करें. तो ये नंबर आपके पास पार्ट से नहीं सोल्व करना है बेटा. पावर वन का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल, मतलब रिवर्स कर देना. तो इन नंबर्स को रिवर्स कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी. प्लस वन पावर लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सेम वही नंबर होता है. सिमिलरली क्या हो जाएगा? 4/7. अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 4/5. दैट्स सिमिलरली हम मूव करते हैं 7th पार्ट की ओर. ओके पार्ट सेवन में क्या पूछा आपसे? ये कह रहा है कि ब्रेक इट 4/3 इनवर्स माइनस 1/2 इनवर्स ब्रेक इट क्लोज इनवर्स. स्टूडेंट्स, अलग अलग पब्लिशर ग्रुप में स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकती है, स्टेटमेंट अलग हो सकती है. तो जो बुक में स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व करें, ठीक है. अभी हम न्यू, जो सबसे न्यू एडिशन है वो सोल्व कर रहे हैं आरएस अग्रवाल में का. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रेकिट है, सोल्व करते हैं. सिमिलरली ब्रेकिट हम ओपन करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 माइनस या हो जाएगा 4/1 रेज़ टू पावर माइनस. अब आपको करना है सबट्रैक्शन. एक्सरसाइज 4B में आपने सबट्रैक्शन करना सीखा था तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. 3 - 4 = 16 रेज टू पावर माइनस 1. ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या आएगा आपका? दैट इज -13/4 ब्रैकेट -1. फिर से इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज -4/13. पावर 1 है तो सेम आंसर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस पर स्टेप एंड सॉल्व द आंसर. स्टूडेंट्स, सिमिलरली वी ट्राई पार्ट 8 ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट मी रीड. जैसे सेम पार्ट किया है सिमिलरली 8 पार्ट आपका ये है. This is 7 part screen. 5/7. 5 raised to power minus 1 minus 7 raised to power minus 1 and break it minus 1. This is your 7th part. Okay, next last जो किया था वो 8 part था. Don't worry, कोई बात नहीं. अब इसको solve करना है. क्या लिख सकते हैं इसको? 1/5, क्योंकि ये 5/1 है. इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/7. रेसिप्रोकल कर दिया आपने, ये रेसिप्रोकल करना आपको लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया गया था, ठीक है. सॉल्व कर लिया, एलसीएम आ गया 35, 5/7 जा 35, 7/5 जा 35, रेज़ टू पावर -1, नाउ 2/35 रेज़ टू पावर -1, नंबर का रेसिप्रोकल किया कितना जाएगा? 35/2.
पार्ट 6, 7, 8 सॉल्व हो चुके हैं. सिमिलरली हम 9th और 10th पार्ट सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स. लेट्स गो. नाइन पार्ट में क्या पूछा आपसे? 3/2 raised to power -1 डिवाइड बाय 2 raised to power -5 is the power -1. बेटा देखो 3/2 raised to power -1 मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी -2/5 नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी. मतलब नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे. आपको बताया था ना कि नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है. अब इसका भी रेसिप्रोकल कर दो 2/3 into -2/5. ओके माइनस इंटू माइनस माइनस 2 × 4 = 5 × 15 तो ये आपका आंसर है. ओके स्टूडेंट्स समझ में आया ना? चलिए अब चलते हैं 10th पार्ट. 10th पार्ट क्या दिया है आपको? 23 raised to power 0 divided by 25. तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 1/25 क्योंकि 23 की पावर 0 क्या हो जाएगी? 1. अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से गिवन है, कुछ बुक्स में ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे गिवन हो, तो आप इसका आंसर 1 लिख देंगे. ओके स्टेटमेंट अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको तरीका आना चाहिए. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 to 5 डू इट योरसेल्फ खुद करेंगे. ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 10. स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई द फॉलोइंग टर्म्स. ये देखिए पार्ट फर्स्ट मींस आपको सभी को सिंप्लीफाई करना है. यहाँ पे जैसे -1/4 की पावर 2 है और देन आफ्टर उसकी पावर -2 है और लास्ट में पावर क्या है? -1. तो स्टूडेंट्स इस सम को कैसे करेंगे? देखिए एक बार तीनों ब्रैकेट दे दी. पहले छोटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे. वैसे आपको एक रूल बताया था क्या? x रेस्ट टू पावर n उसकी पावर n इसके इक्वल होता है x की पावर m इनटू n. अगर साथ में p भी आ जाए तो p से भी मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? -1/4 raised to power 2 into -2 into -1 -4 raised to power -+ हो जाएगा n टू द पावर 4. यहां पे आंसर आप देख लेंगे. ठीक है चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लो तो कितना आ जाएगा 1/4 तो माइनस का है इसको 4 बार गुणा कर लो तो ये माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 2 + 2 = 16 6 + 24 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 + 24 = 6 +
कितना देगा 256। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ट्राई करें इसको। सेकंड पार्ट 10th क्वेश्चन। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स क्या दिया आपको, -2/3 रेज टू पावर 2 और रेज टू पावर 3। ओके तो ये हो जाएगा -2/3 इसकी पावर 2 × 3 दैट इज -2/3 रेज टू पावर 6 दैट्स। अगर आपको ये सम किसी रूप में इस तरीके से दिया गया है, याद रखिए ये दे रखा है, ये ना दे, दोनों डिफरेंट सम है तो दोनों के आंसर भी डिफरेंट होंगे। चेक करें कि आपके बुक की कौन सी स्टेटमेंट है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा -2/3 रेज टू पावर 2 की पावर 3 क्या होती है 2 × 2 × 2 यानी -2/3 रेज टू पावर 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों में फर्क है बेटा, इस ब्रैकेट
और ब्रैकेट नहीं होने में फर्क है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो इसको सॉल्व करोगे, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। अगर ब्रैकेट दे रखी है तो पीछे जो लास्ट पार्ट किया था वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बेटा, पैनिक होने की जरूरत नहीं कि सर ये दो दो क्यों कर दी बेटा। अगर आपकी बुक में ये स्टेटमेंट है तो ये कर दो और ये स्टेटमेंट है तो ये आंसर देगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड कर दिया था आपको। चलो करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है -3/2 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय -3/2 रेज टू पावर 6। बेटा इस पे फार्मूला यूज होगा x की पावर n डिवाइड x की पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर n माइनस n। ये फार्मूला आपको नोट कराए जा चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो इनका बेस क्या है -3/2 जो सेम है, ये x यहां पे बेस मान लेते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 - 6। 3 में से 6 को सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -3 पावर। चाहो तो इस -3 को पलट सकते हो, ये -3/3 की पावर +3 हो जाएगी। इस नंबर का रेशियो टोटल कर देंगे तो नेगेटिव से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है। फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, बेस -2/3 ले रखा है तो 7 में से 4 माइनस हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3 7 - 4 -2/3 रेज टू पावर 3। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बाय व्हाट नंबर शुड 5 रेज टू पावर -1 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 8 रेज टू पावर -1। कि मैं 5 रेज टू पावर -1 किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं मुझे 8 रेज टू पावर -1 मिल जाए, तो 5 रेज टू पावर -1 को उधर ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका x इक्वल टू 8 की पावर -1 होता है 1/8, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5 नंबर से। ओके स्टूडेंट्स, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 की पावर -8 प्लस हो जाएगी। आपको बताया था ना इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, पावर को माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, इनटू 5 आ जाएगा। x क्या हो जाएगा आपका 5/8। यस, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, बाय व्हाट नंबर शुड 3^-3 मल्टीप्लाई गेट 4। कि मैं 3^-3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4 मिल जाए, तो मान लेते हैं वो नंबर x है, यहां पे इस टर्म को राइट हैंड साइड ले गए, x की वैल्यू फाइंड करेंगे 4 उधर जाके डिवाइड का 3^-3 हो जाएगी, x की वैल्यू निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 की पॉजिटिव हो जाएगी। रेसिप्रोकल कर देंगे इसका तो x इज इक्वल टू 4 × 3^3 होती है 27, तो x हो जाएगा 8 क्वेश्चन नंबर 12 और 11 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 सेम है कि मैं जो नंबर है -13 इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 16^-1 मिल जाए, तो सेम जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में हमने x कंसीडर करके वैल्यू फाइंड आउट की है वही मेथड हम 13 समय यूज करेंगे। डू इट योरसेल्फ। Now, question number 14. Find x such that बेटा आपको एक चीज तो दे रखी है, देखो कॉमन बेस है ना, ये देखिए इसका बेस क्या है 3/5, तो मैं बताऊं एक बार तरीका बता दूं कैसे करना है इसको, तो आप देखेंगे बेस आपको दे दिया 3/5। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लीजिए 3/5 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3^5 -6 3^5 2x - मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी x^n (x^n) x^n + n वाली आइडेंटिटी यहां पे आपकी यूज होगी। करते हैं 3/5 3
plus minus 6, that is equal to 3 by 5 into 2x minus 1. सॉल्व करने पर बेटा 3 by 5, ये माइनस का हो जाएगा 6, प्लस इनटू माइनस माइनस होता है, माइनस 6 से प्लस 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिलेगा माइनस 3. तो माइनस 3 by 5 की पावर माइनस 3 और 3 by 5 की पावर 2x माइनस 1. ये माइनस 3 नहीं, सॉरी प्लस 3 है, गलती से बोला गया. तो ये वैल्यू आ गया 23. तो क्या कर देंगे, पावर को कंपेयर कर देंगे. हम लिखेंगे सेम 20, क्या है सेम 20, हेंस कंपेयर द पावर. क्या कर देंगे, कंपेयर द पावर, हम पावर को कंपेयर कर देंगे. कर दीजिए कितनी इधर 2x minus 1 is equal to minus 3. ये बात समझ आ गई ना भैया. देखो पावर बेस सेम है, इधर कितना है 3 by 5, उधर कितना है 3 by 5, 3 by 5 की पावर 2x minus 1 है और इधर कितनी है माइनस 3 है. इसका मतलब 2x minus 3 किसके इक्वल है, माइनस 3 के तो इक्वल है, तभी तो ये टर्म इक्वल होगी. तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, क्या करेंगे ऊपर आ जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, 2x minus 1 is equal to minus 3, 1 को उधर नेगेटिव है, 2x is equal to minus 3, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 2x is equal to minus 3 plus 1 तो माइनस का 2 बचेगा, x is equal to 2 से डिवाइड किया तो माइनस 1 पे जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस 1 आ जाएगी. तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखना आपको माइनस 1 लिखना है. वेरीफाई भी करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 में माइनस 1, माइनस 2 में माइनस 1 को ऐड करोगे तो माइनस 3 आ जाएगा, तो इधर भी माइनस 3. तो इस तरीके से अगर आपका बेस सेम है और पावर को कंपेयर करना है तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आप पावर को कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके गॉट इट ना. चलिए आई होप समझ में आ गया होगा बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं. ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, इसको सॉल्व करना है. 3 की पावर 5, पहले स्टेट में लिखते हैं 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 डिवाइड बाय 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5. ओके स्टूडेंट्स नाउ 3 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, बिल्कुल सही कहा आपने, इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए. 10 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 10 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इन 5 लिख सकता हूं या 25 लिख दो, डजंट मैटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड. अब 5 है, 5 को कितने टाइम्स लिखना बेटा, 7 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 टाइम्स. और 6 को कितने टाइम्स लिखना है, 5 1 2 3 4 5 एक से यहां पे देता हूं तो स्पेस नहीं है. तो हमने ओपन कर दिया बिल्कुल, पूरा ओपन कर दिया. अब जो कट रहा है काट दीजिए. ठीक है बेटे, ठीक है बेटा. ओके तो पहले 5 को देखते हैं, 5 5 से 5 2 5 पेंसिल कट कर दीजिए. ठीक है ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको. अभी 5 2 जा 10 सर्कल लगा दीजिए, जो नंबर बाद में आता करने के बाद 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 2 जा 10. ओके स्टूडेंट्स ठीक है, जो नंबर कटने के बाद आते हैं सर्कल लगाइए. अब 3 2 जा 6 एक 6 कट हो गया, फिर से 3 2 जा 6 3 2 जा 1 और 6 3 2 जा 1 और 6 3 2 जा 1 और 6. अब ऊपर सब कंप्लीट, क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा, ऊपर तो बेटा बच गया 1 क्योंकि सब कुछ कट हो गया, अब नीचे बचता है केवल और केवल 6. सो हियर वी गेट आंसर 1/6. That so that's very easy. That's try कर बेटा, ठीक है. और थोड़ी कैलकुलेशन तो लंबी है बट मुश्किल नहीं. सिमिलरली हम करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया है और इसको करने में मजा भी आया, देखते हैं ट्राई करते हैं.
पहले स्टेटमेंट बता देते हैं स्टूडेंट्स, 16 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू पावर n डिवाइड बाय 16 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2 कैसी करें? ये सोचने की बात है कैसे करें इस सबको, सही क्या आ गया? डोंट नीड टू बी पैनिक, क्या पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, तरीका है इसका करने का क्या? इस पूरा फैक्टराइज कर कैसे, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, वीडियो पे होना चाहिए, उधर से ध्यान हटा लीजिए अगर ये क्वेश्चन समझना चाहते हो तो। ठीक है बेटा, देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 क्योंकि यहाँ पे 4 है इन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर n × 2 लिख सकता हूँ, क्यों देखो साइड में समझाता हूँ, 2 की पावर n × 2 क्या होगा, 2 की पावर n + 1 वही होता है ना, तो जब दोनों इक्वल है तो मैं इस टर्म को ये लिख सकता हूँ, श्योरली लिख सकता हूँ बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, माइनस 4 × 2 रेज टू पावर n डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 है ना तो मैं 16 को 2 × 8 में डिवाइड कर देता हूँ, बाद में पता लगेगा क्यों किया है, इंटू 2 रेज टू पावर n × 2 रेज टू पावर 2 क्यों, क्योंकि 2 रेज टू पावर n × 2 रेज टू पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर n + 2 लिख सकता हूँ, कर सकते हैं मैथ में सर, जो टर्म इक्वल से उनको इक्वल रखा जा सकता है, माइनस 2 × 2 रेज टू पावर n + 2 ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो देखते हैं अब ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर देखो एक तो 4 कॉमन आ रहा है जो कॉमन आ रहा है सर्कल का, और एक 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, इसको भी सर्कल का, जो सर्कल कर दिया उसको बाहर निकाल, 4 × 2 की पावर n, अब जो सर्कल में नहीं है वो अंदर, 4 × 2 - यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बना डिवाइड, इधर कॉमन क्या है 2n + 2 पावर कॉमन आ रही है और प्लस में 2 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, 2 की पावर n + 2 क्या बचा अंदर 8 - इधर क्या बचेगा 1 बचेगा ना क्योंकि सब बाहर आ गया, आगे चीज देखो ये हो गया आपका 4 है तो एक काम कर लेते हैं 4/2 × 2 की पावर n / 2 की पावर n × 2 की पावर 2 गुणा में ये कितना बचेगा 8 - 1 = 7 और ये भी 8 - 1 = 7 तो 7 से 7 कैंसिल 2 × 2 = 4 ठीक है तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल तो क्या बचेगा इधर बचा 2 × 2 यानी 4 और इसको अगर समझ में आए तो वीडियो पॉज करके पीछे जाके दोबारा से देखिए। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 पे नजर डालते हैं, हमारे केवल लास्ट टू क्वेश्चन रहते हैं बेटा, ठीक है लास्ट टू क्वेश्चन देखते कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17। ओके बेटा 17 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, चलिए देखते हैं पार्ट 5 × 2n × 5 × 3 5 × 9 क्या करना है n की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या करेंगे इधर 5 × 2n + 3 हो जाएगा, कौन सी आइडेंटिटी लगी x की पावर n + n वाली आइडेंटिटी आपने यूज कर ली। ओके स्टूडेंट्स ठीक है तो यहाँ पे x यानी बेस सेम है तो 2n + 3 हो गया, कितना हो गया 5 × 9 क्या लिखेंगे सेम बेस हैंस कंपेयर द पावर को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कितना हो जाएगा 2n + 3 = 5 × 9 ओके नो ओनली 9 है 9 का मतलब ये ठीक है आप ये को साइड के लिए 2n = 9 - 3 2n =
6 n इज इक्वल टू 2 बन जाएगा 2 3 जा 6 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी बेटा। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट फर्स्ट में 3 आंसर आ जाएगा। सिंपली इसका मैं पार्ट 3 वर्क कर रहा हूं, ये और समझा रहा हूं। ठीक है पार्ट सेकंड आपको ट्राई करें, देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। ओके स्टूडेंट्स 6 रेज टू पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3। आप कहेंगे सर 36 को क्या लिखते हैं, लिख सकते हो 36 6 का स्क्वायर रूट होता है दैट्स ऑल। तो ये क्या हो जाएगा 6 रेज टू पावर 2n प्लस 1 में मैं 2 को ऐड कर दूंगा इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3 सॉल्व करने पर 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3। पावर को कंपेयर करने पर जो लाइन नीचे लिखी थी ना वही लाइन यहाँ पे लिख देंगे, क्या आएगा 2n प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 होता जाएगा 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 3 2n इज इक्वल टू 0 n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। ओके बेटा तो पार्ट थ्री भी सॉल्व होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करें लास्ट 18 क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल आपको दे रखा है, इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा सबसे पहले 1250 के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ओके निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 5 5 5 5 5। देखिए ये यदि आपको 2 रेज़ टू पावर n माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1250। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर n माइनस 7 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4, इसको आप लिख सकते हैं 2 5 रेज़ टू पावर, लिख सकते हैं ना। तो कंपेयर करते हैं 2 वाली टर्म को कंपेयर करते हैं। ठीक है जैसे आपने कंपेयर किया 2 रेज़ टू पावर n माइनस 7 कितना आ जाएगा 2, तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं आप इसको, यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी n इज इक्वल टू 1 7 से जाके प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। आप चाहो तो n की वैल्यू इन दोनों टर्म्स को भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं, जैसे 5 की पावर n माइनस 4 इज इक्वल हो जाएगी 4 की 5 रेज़ टू पावर 4 n माइनस 4 इक्वल हो गया 4 और उधर जाएगी n इक्वल टू 4 प्लस 4 सो n इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आप 18 क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5 में कंप्लीट होती है, आई होप आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।